केजरीवाल को बड़ा तमाचा मिल चुका है। किस बात का डर है केजरीवाल को, यह खुलासा बीजेपी ने कर दिया है। रात की नींद गायब हो गई है। इस खुलासे से केजरीवाल की पूरी तरीके से खटिया खड़ी हो गई है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या को सियासी दलों के लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार ने इस हत्याकांड को कानून व्यवस्था का मसला मानते हुए एलजी पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने इसके लिए सीएम पर निशाना साधा है। अब बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम इस मामले में हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि सच बोलने पर उन्हें सियासी अनहोनी का डर सता रहा है। नाबालिग की हत्या को लेकर के आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि उत्तरी दिल्ली के शाहबाद में एक मुस्लिम युवक साहिल सरफराज द्वारा एक हिंदू लड़की की निर्मम हत्या के मामले ने एक बार फिर यह दर्शा दिया है कि लव जिहाद अब देश के अन्य कोनों के साथ ही दिल्ली की चौखट पर भी आ चुका है। अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली और देश को श्रद्धा मर्डर मामले ने चौंका दिया था। अब इस मामले ने एक बार फिर दिल्ली वालों को लव जिहाद के प्रति जागरूक होने की चेतावनी दी है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने लोकल लोगों का हवाला देते हुए बताया कि साहिल सरफराज मृत लड़की को काफी समय से परेशान कर रहा था, वह उसका पीछा कर रहा था। जब उस लड़की ने साहिल को साफ तौर पर मना कर दिया तो न केवल उसे बल्कि आसपास की अन्य लड़कियों को चेतावनी देने के लिए साहिल ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यह खेदपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शाहबाद में मुस्लिम युवक साहिल द्वारा एक हिंदू लड़की की निर्मम हत्या को कानून व्यवस्था से जोड़ करके देख रहे हैं, जबकि यह लव जिहाद का मामला है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में सच से मुंह मोड़ करके मुस्लिम समुदाय का राजनीति तुष्टिकरण कर रहे हैं। वह जानते हैं कि शाहबाद में हिंदू युवती के मुस्लिम युवक द्वारा हत्या को यदि वह लव जिहाद कहेंगे तो उनसे मुस्लिम मतदाता दूर हो जाएंगे, इसलिए वह इसे एक साधारण हत्या की घटना दर्शाना चाहते हैं। गिरफ्तार मुस्लिम हत्यारे साहिल सरफराज के हाथ में बंधा लाल कलावा साफ दर्शाता है कि यह एक सुनियोजित तरीके से काम करने वाले लव जिहाद गैंग का सदस्य है। दिल्ली पुलिस को यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या दिल्ली में किसी धार्मिक स्थल से लव जिहाद कैंपेन चलाया जा रहा है।